गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएफ क्लास में हम लोग का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आएगा, कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा, किस कैसे एंट्रेंस होता है, कैसे एंट्रेंस को दिया जाएगा, क्या पैटर्न होगा आपका, और क्या अबाउट कैंपस, मतलब कैंपस के बारे में मैं बताऊंगा आपका, और जो आपका पेपर लेवल भी बताऊंगा। इसके बाद बस इसके बाद सीट्स मतलब कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं इसके बारे में सब आपको डिटेल्स बताऊंगा, यूजी एंड पीजी सबके लिए। लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में तभी आपको जानकारी मिल पाएगी मेरे भाई, क्योंकि बहुत लोगों का क्यूरी था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कई दिनों से सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्या करें अकॉर्डिंग तो और कुछ पढ़ाना पड़ता है इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा अच्छे से, अगर जो लोग यूजी या पीजी एंट्रेंस एग्जाम मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटिव जो चाहते हैं उन लोगों के लिए, और अपडेटेड कॉलेज के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। तो मेरे साथ ऐसे ही लास्ट तक जुड़े रहेगा, आपको हर एक अपडेटेड मिलेगी मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटिव ए टू जेड। और बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी फुल डिटेल्स, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया वहाँ पर आप लोग, या इंस्टाग्राम आईडी भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, आपको लोग फॉलो करिए अच्छे से, फेसबुक पेज भी दिया गया है, इसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो कोई टीचर नंबर नहीं देता, तो मैं आपको नंबर भी आपको बता रहा हूँ अच्छे से देखिए, जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग के लिए जैसा हूँ, तो इसलिए चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग सुनिएगा अच्छे से, तो लास्ट तक बने रहेगा मेरे भाई, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, जैसे कि लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम आपका लखनऊ जो है 2022 और 2023 में जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म दोस्तों अब ज़्यादा दूर नहीं बाकी है, अब मार्च चल ही रहा है, तो मार्च आने वाला है, तो अब यही 10-15 मार्च के बाद तो फॉर्म आ ही जाएगा। तब की बार की बात बताएं तो जो पिछले बार आया था तो 9 मार्च को ये फॉर्म आ गया था एंट्रेंस एग्जाम का, बाकी थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा एग्जाम में लेटिंग हुई थी, क्योंकि फॉर्म जो है 9 मार्च को आया था, तो और जो है यूजी एंड पीजी यूजी का जो है 23 अगस्त से आपका एग्जाम चालू हुआ था, आपको 15 सितंबर तक एग्जाम सब हो गए थे, मेरा भी इसी बीच, इसके बाद पीजी का जो हुआ था तो मेरा भी इसी बीच में था, यूजी पीजी का मतलब सब ऐसे सिलेबस वाइज चलता रहता है, तो मैं भी एंट्रेंस दिया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अब इसके बाद आपका दोस्तों क्या करना है कि देखिए एग्जाम और डेट जैसे होता है, तो एग्जाम पहले आपका डेट मैं आपको डेट बता दिया हूँ कि एग्जाम डेट कब आएगा कब नहीं आएगा, तो आप लोग का ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा भी, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। तो अब आप लोग कहा गया तो आप लोग तैयार हो जाइए मैदान में उतरने के लिए। बाकी एंट्रेंस एग्जाम का देखिए अब मैं आपको बताऊँ अबाउट कैंपस, तो कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया कैंपस है मेरे भाई की लखनऊ यूनिवर्सिटी, अब जान है उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए अच्छा कैंपस है, बढ़िया कैंपस है, जो भी चीज़ें हैं। बाकी इसमें आप लोग को मैं बता दूँ पेपर लेवल कैसा कैसा रहता है, तो आप लोग का पेपर लेवल थोड़ा मतलब उतना हार्ड नहीं रहता, पेपर लेवल ईजी रहता है, थोड़ा मतलब अच्छे से रहता है, बाकी पेपर लेवल में कुछ ना कुछ मतलब बदलाव होते रहते हैं, बाकी जैसा पेपर क्या था और मार्किंग पैटर्न जो क्या था, तो मार्किंग पैटर्न मैं आपको बता दूं मेरे भाई, तब की बार के अकॉर्डिंग जैसे मार्किंग पैटर्न जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी हमेशा बदलता रहता है, मतलब कभी ये कर दिया कभी ये कर दिया, तो मैं जब तब की बार की बात बताऊं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी मेरे भाई, कोई भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं थी, जहाँ तक मैं एलएलबी का छात्र हूँ तो एलएलबी का एंट्रेंस दिया था, बाकी बीए बीएससी का भी नहीं, मतलब बीएससी वालों का या बीए वालों का या बीए एलएलबी वालों का बीसी वालों का बीबीए वालों का ये लोग का जो है मार्किंग आपका जो है माइनस मार्किंग नहीं था, और बाकी 100 क्वेश्चन टोटल थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था इसी के अकॉर्डिंग, बाकी कट ऑफ कैसे गया कैसा कट ऑफ कैसा नहीं जाएगा, अभी मैं नया चैनल बनाया हूँ, तो इसलिए कट ऑफ के बारे में अभी मैं पहले नहीं बताया था, तो अब जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा एकदम बढ़िया से अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा मेरे भाई, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेगा, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते ही, बाकी जो लोग नहीं जानते वो लोग भी जान ले अच्छे से बढ़िया से, तो मैं आपको बता दूँ मार्किंग पैटर्न यही है। इसके बाद आपका सीट्स कितना होता है, सीट आपके उसके अकॉर्डिंग आता है, जैसे ला का जैसे हुआ था तो 320 सीटें थी एलएलबी की, और ऐसे इसके बाद आपके जो है उसी के अकॉर्डिंग मतलब सीटें रहती है जैसा कैंपस के अकॉर्डिंग, बाकी आप लोग इसके आप लोग जैसे देख लीजिए एंट्रेंस एग्जाम कैसे करेक्ट करना कैसे नहीं, तो बीएससी भी है, बाकी ये इन लोगों में थोड़ा लेवल ही था अच्छा था बढ़िया पेपर था, बाकी एलएलबी के पेपर बताते हैं तो इसमें भी कोई माइनस मार्किंग नहीं था, 5 ईयर और 3 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए भी 100 क्वेश्चन टोटल थे आपको करना था, इसमें से आप एक क्वेश्चन 2 नंबर का था अच्छे से बढ़िया से कर लिए होंगे, तो जो लोग बीए लोग जान रहे होंगे, बाकी आप लोग को एलएलबी 3 ईयर्स के बारे में सिलेबस बता दें, तो सिलेबस आपका जो है जीएस से पूछा जाता है, मतलब जीएस से क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर करके, और बाकी क्या बुक पढ़ना है क्या नहीं, क्या बुक आपको पढ़ना है, कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, सब चीज़ें ए टू जेड इससे यूजी एंड पीजी के मैं एक एक वीडियो अपलोड कर लूँगा, बुक भी आपको बता दूंगा कि बुक आपको कौन सा लेना है,
क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट मतलब इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बुक्स उतना तो मिलता नहीं है इसका ना तो लेवल। और बाकी पीजी की बात बता दें मेरे भाई, तो पीजी का फॉर्म जो है इस पर अपलोड नहीं होता है, पीजी का फॉर्म ऑफलाइन रहता है। मतलब एक फॉर्म कैसे आएगा, ये सब फॉर्म ऑनलाइन आएंगे लेकिन पीजी वाला ऑफलाइन आता है, तो ऑफलाइन आएगा। अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे संपर्क जरूर करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी एमएससी हुआ एमए हुआ इन लोग का मतलब ऐसे आता है कि इस पर अपलोड नहीं होता ना, तो उसका कोई सिलेबस वलेबस दिया जाता है। बाकी इसमें इसका तो थोड़ा बहुत बुक ही बुक बुक मिल जाता है कि कैसे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ें हैं। बाकी और तो कुछ नहीं, जैसे लग रहा है कि आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को मैं एक एक वीडियो बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, जो बीएससी वाले हैं, बीए वाले हैं, बीएलएलबी वाले हैं, एलएलबी वाले हैं, सब छात्र के लिए, बीए वाले हैं, बीबीए वाले हैं, बीसीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पीजी के छात्र एमए एमएससी एमकॉम एमकॉम हुए, इसके बाद जो कि और बाकी और भी है, बीएड वालों का इंट्रेंस एग्जाम चल ही रहा है, आजकल से ही स्टार्ट था, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे मेरे भाई, आपको सब जानकारी मिलेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ए टू जेड। बाकी कैंपस तो बहुत अच्छा है मेरे भाई, आप लोग कैंपस में सिलेक्शन ले। और बाकी अपडेटेड कॉलेज की बात आए तो अपडेटेड कॉलेज में भी फॉर्म निकलते हैं, कैसे क्या नहीं निकलते, जैसे आपका एक चार बाग में है, इसके बाद फिर आपका सिया पीजी कॉलेज है, इस पर नेशनल पीजी कॉलेज है, इसके बाद आपका बीसी, ऐसे कुछ है, मतलब सब तीन चार पांच कॉलेज हैं अपडेटेड। बाकी और भी जो आपके प्राइवेटेड कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो मुझे संपर्क मेरे भाई जरूर करिएगा, आपको कोई दिक्कत होगी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लिए हाजिर हूँ। बाकी इंट्रेंस पैटर्न कैसे क्या होगा, तो जैसे भी फॉर्म निकलेगा मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी एग्जाम भी आप लोग के होने वाले बहुत फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो मैं आपको सब कुछ दे ही रहा हूँ, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहेगा मेरे भाई, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज वीडियो में इतने थे, आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, जब तक हम हैं जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे मेरे भाई, मैं आपको जी जान से मदद करूँगा आपकी। थैंक यू।